अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है ज़िंदगी वही सफ़र नया। मैं हाजरा अजमल सलमा अजमल के साथ फिर से आपका हमारे चैनल पर वेलकम करते हैं। तो आज है नौवीं सहरी, है ना सलमा? यस यस, नौवीं सहरी। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक रोज़े में हो जाएंगे हम लोग। आप सबको नौवीं रोज़े की बहुत मुबारकबाद, दुआओं में याद रखें। और देखते देखते ऐसे लग रहा है कि कल ही हम लोगों ने चांद देखा है। यस, तो आज एक जुम्मा, मतलब दो जुम्मा हो गए ना सलमा? हाँ, ये खत्म हो यस गया। आप फिर आने वाले दो जुम्मा में रमज़ान ख़त्म होने को आएगा। तो उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान को पढ़ो और आगे तक फैलाओ। ताज़ा करना भी एक बहुत बड़ी सुन्नत रसूल है। तो इसीलिए जब हम इस रमज़ान में कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी जो है कुरान का तर्जुमा कर सकें। रमज़ान में कुरान का तर्जुमा करते हो हमें मालूम होता है कि कितना सुकून होता है, और हम पूरे 11 महीने नहीं कर पाते हैं, मालूम रहता है फिर भी नहीं करते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे के हम पूरे 11 महीने भी करें। सूरह बकरा, सूरह पारा नंबर 2, आयत नंबर 183-184, यानी 183 और 184 में तो अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रमज़ान के रोज़ों के बारे में इरशाद फरमाया है, तो गौर से सुने और समझें अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमतें हम पर नाजिल की हैं। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। गिनती के दिन हैं, तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदला दें एक मिस्कीन का खाना। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है। अगर तुम जानो रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशनी बातें, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमा रहे हैं कि अगर हम रोज़े नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह वहाँ पे ज़ोर दे रहा है कि रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए बेहतरी है। इस हाल में जब हमारी जान पर बनाए या फिर हम सफ़र में हैं, लेकिन आजकल हमारे सफ़र कुछ ऐसे नहीं होते। पुराने ज़माने के सफ़र कुछ तवील होते थे, बहुत मुश्किल से होते थे, तो वो एक सफ़र था। अभी हम 1 घंटे 2 घंटे या मिनिमम मैक्स हम 7 आवर्स में अपनी जर्नी जो है क्रॉस कर सकते हैं, कुछ इस तरह के सफ़र हैं। तो ये एक इरशाद था अल्लाह ताला का रमज़ान का। आई होप कि आप लोगों को हमारे इस वीडियो में हम कहना बताना क्या चाह रहे हैं आपको वो मकसद मिल गया होगा। एक रोशनी थी कुरान शरीफ में जो अल्लाह ताला ने रोज़ों के मुतालिक बयान की है, तो वो एक था। और दूसरी आते हैं हमें खजूर के बारे में बताना था, तो मैं खजूर ले आती हूँ सलमा। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने बताया था मिसवाक की सुन्नतें, आज हम तो खजूर की सुन्नतें बताएंगे जो हमें हर एक, फिर से मैं कहूँगी एवरी मुस्लिम नो व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ डेट्स, हमें हर एक को पता है, लेकिन बस यहाँ पे कुछ सुन्नतें और तरीक़ा बताना था हमें। पहली बात, हमारे लोकल्स में ये रिवाज है 10 रोज़े पानी से, 10 रोज़े नमक से, 10 रोज़े खजूर से, है ना सलमा? ये मालूम नहीं कि, मतलब उस गुरबत की वजह से या क्या क्या था पता नहीं, ये लोगों में कैसे ये जो रिवाज आम हो गया। इवन हमने भी हमारे बचपन में 10 रोज़े नमक पानी और खजूर से खोले। जैसे जैसे तालीम की रोशनी में आते गए पता चला कि रोज़ा जो है सिर्फ़ और सिर्फ खजूर से खोलना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस किसी को भी इस वीडियो को पहुँचे तो ज़रूर आप बताएं कि रोज़ा जो है सिर्फ और सिर्फ खजूर से ही खोलना चाहिए। क्योंकि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मैरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेयर से पहले जो है, नमाज से पहले जो है अपना रोज़ा अब कच्चे खजूर यानी या जो हम खजूर खोलते हैं उससे खोलते थे, अगर वो ना होता तो सूखे खजूर से खोलते, अगर दोनों ना होते तो वो पानी से जो है अपना खजूर रोज़े को तोड़ते। तो अब देखें हमारे भी, हम जब बचपन में हम भी सूखे खजूरों से खोलते थे, क्योंकि वो एक ज़माना था जब हमें खजूरों की तलब होती थी। लेकिन आज का ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें कम होगा। आज अल्लाह ताला ऐसी ऐसी नेमतें हर एक के घर में दे रहा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे ये नेमतें हमेशा बरकरार रखें। जब अल्लाह ताला अवेलेबल करवा रहा है तो हम क्यों ना सुन्नत रसूल फॉलो करें। तो ये एक था। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि खजूर को असल में खाने का तरीक़ा कैसा है। ये बहुत सी लोगों को शायद ना मालूम हो, बस इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो
ये जो तरीक़ा है जानकर आपको पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो सर मैं एक खजूर ले लेती हूँ। तो ये देखिए खजूर, हमारे नबी का मैं तरीक़ा बता रही हूँ। खजूर को लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे इसको खजूर खोलते हैं। हम क्या करते हैं, इवन हमने भी ये गलती की है, हम सीधे खजूर को मुंह में डाल लेते। कोई हज से जाकर आकर खजूर देता तो है ना सलमा, मुंह में डायरेक्ट डाल लेते थे। नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया है बींज को, यानी गुठलियों को, बींज को जो है सीधे अंदर मुँह में लेना सख्त मना फरमाया है। तो ऐसे खोल कर इसको बींज बाहर रखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी दो उंगलियों पर ये जो बीज है इसको ऐसे दस्तर पे ऐसे डालते। तो ये एक तरीक़ा है हमारे नबी का, खजूर खाने का तरीक़ा। और इसको ऐसे तोड़ें और जब रोज़ा खोलें, अभी तो हम सहरी में बैठे हैं, बिस्मिल्लाह। ये एक था सलमा, तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी ही करनी थी बहुत दिनों से, तो आज वो मौका मिल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बेनिफिट्स तो हमें बहुत से पता हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। दिल के लिए हो गया, हाजमे के लिए हो गया, अपने जादू से बचने के लिए, ये बहुत से बेनिफिट्स देता है, क्योंकि हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी इसको खा के जो है अपनी ज़िंदगी जितना हो सके अच्छे से अच्छे मकदार में इसको यूटिलाइज़ करें और अपनी ज़िंदगी में लाएं। जैसे मैंने कहा, जादू से भी बचने का काम करता है। सात खजूरें अगर दिन की सुबह में खा लें तो कोई जादू असर नहीं करता है। ये बहुत से बेनिफिट्स हैं। फिर ये लंबा हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर उसका वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये कहते हुए हम दोनों यहाँ पर सहरी के वक्त में साइन आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बेहतरीन जा रहे हैं और उम्मीद और यही दुआएं हैं कि हर एक के रोज़े जो हैं, हर एक की दुआएं, हर एक की जायज़ तमन्नाएं अल्लाह ताला इस रमज़ान में पूरी कर दें। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भी हर जायज़ तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरी फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। बस थोड़ी सी देर है, बस इंतज़ार और सब्र और पेशेंस रखना है। वो पेशेंस अल्लाह ताला हम सब ने इनायत फरमाए। ये कहते हुए हम दोनों यहाँ पर साइन आउट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।